उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के ग्राम गुलालपुर में एक नाली को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पहले तो ईंट पत्थर चले, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस के ना पहुंचने के बाद दूसरे दिन पुनः दोनों पक्षों में नाली को लेकर विवाद हो गया। आपको बता दें कि जमकर लाठी डंडे चलने लगे, तभी रंजिश मान रहे तीसरे पक्ष ने हो रहे विवाद का फायदा उठाते हुए जमकर फायरिंग कर दी, जिससे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि गंभीर रूप से घायल पीड़ितों के घर में दबंगों ने आग भी लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां से चिकित्सकों ने एक व्यक्ति को गंभीर अवस्था में ट्रामा हॉस्पिटल से उपचार के लिए रेफर कर दिया। वहीं पुलिस पीड़ित पति से तहरीर लेते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। कुमार साहब, कहाँ के रहने वाले हो? गुलालपुर के। अच्छा, ये बताइए किन किन बीचों में ये जब विवाद हुआ था, किस बात को लेकर विवाद था? ये सर नाली के ऊपर विवाद हुआ, ये ठाकुर लोग और कश्यप लोगों से। जी हाँ जी, ने मेरे भाई संजय सिंह को सीधी गोली मारी आके, कल लड़ाई कल फायरिंग करी थी आगे। अच्छा, जो फायरिंग करने वाला था वो कौन व्यक्ति था जिसने जो ना अपनी पुरानी रंजिश निभाई है, क्या मामला? श्रीराम प्रधान। कौन बिरादरी के हैं भैया? ये राठौर है, श्रीराम जी, और ये ठाकुर लोग हैं, अमनीश, अवनीश, गोविंद। अच्छा, जो घायल हुए हैं वो कौन लोग? 60 लोग हमारा कमलेश है। तो कितने फायर हुए होंगे लगभग? 25-30 फायर होते हैं लगातार। और मेरे घर पे पास में दुकान रखी थी मेरी, उसमें आग लगा दी, फ्रिज वगैरह, ट्रैक्टर फोड़ दिया, मेरी गाड़ी फोड़ दी है, सब चीज फोड़ दिया, आग लगा दी घर पर, फोका जल गया सब चीज। क्या नाम है तुम्हारा? विपन कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? गुलालपुर के। आज ये घटना जो घटी है, क्या मामला है पूरा बताएं? मामला क्या, वो नाली का चक्कर था, प्लॉट में पानी चल रहा था, तो हम 8-18 तारीख को एप्लीकेशन दे आए थे, नहीं कि सर लड़ाई होने वाली है, सब लोग मारने वाले हैं, तो आज ये स्थिति हो गई है, इन लोगों ने फिर फायरिंग चालू कर दी। किन लोगों ने और किन किन के बीच में हुई है? भगवान का नाम श्री राम सुना भगवान दास जी, गोविंद, अवनीश और ये गाना बाबू राम कमलेश बाबू राम, ये लोगों ने करी है। ये कौन बिरादरी के थे और किस पक्ष ने तुम्हारा मतलब? ठाकुर लोगों ने पीटा। हाँ, तो ये फायरिंग वगैरह की है? फायरिंग नहीं, गोली मारी थी लोगों ने, भगवान जी का नाम खुशी राम पूर्व प्रधान ने जी, और गोविंद है एक अवनीश है जो फौजी का लड़का है, ये लोगों ने। कौन कौन घायल हुआ है? घायल उसमें सबसे ज्यादा संजय सिंह हुआ, उसे सिर पर गोली मारी है जी, और दाताराम का पूरा फ्रैक्चर ही होगा, टूटा पैर। गुलालपुर के कुछ घायल आए, इनको चोट के निशान किसके थे? चोट के निशान उनको लाठी डंडों के थे, जो भी चोट थी उनको चारों तरफ से मारा गया था, सर पे चोटें थी, कुछ हाथ तरफ हो गई चोटें। कोई शॉर्ट गन का निशान नहीं था? शॉर्ट गन का कोई निशान नहीं था, एक संदिग्ध निशान था, शॉर्ट गन का भी हो सकता है, उसके लिए हमने एक्सरे करने के लिए बोला। रेफर एक लोग। सर घायल कितने हैं? घायल दोनों घायल थे, दो में से एक को रेफर कर दिया गया, एक का उपचार हम नहीं कर रहे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.